हेलो व्यूअर्स, आज हम आपको फॉर लूप कंट्रोल स्टेटमेंट के थ्रू डिफरेंट प्रैक्टिकल सेशन बताने वाले हैं। इसमें फर्स्ट है व्हाइल स्टेटमेंट, जिसमें हम लोग फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे। फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको एक कोई नंबर इनपुट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने वैल्यू एक्स ली है और फैक्टोरियल के लिए फैक्ट लिए और जिसकी वैल्यू वन कर दिया, क्योंकि कोई भी वैल्यू जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ज़ीरो से तो वो ज़ीरो हो जाती है। तो हमने फर्स्ट वैल्यू जब वन ले ली तो हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो नहीं होगा। फिर CLR SCR लिया, जो आपको क्लियर कर देगा स्क्रीन को। प्रिंट एफ किया, एंटर एनी नंबर टू फाइंड द फैक्टोरियल, हमने प्रॉम्प्ट डाला जिससे कि क्या वो मांग रहा है स्क्रीन पर पता चले। फिर स्कैन एफ %d & x किया तो वो नंबर को रीड कर लेगा। फिर वाइल लूप स्टार्ट करेंगे। अब वाइल लूप लिखने का सिंटैक्स हम बता चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा हो उस वीडियो को तो देख लीजिएगा। वाइल x इज ग्रेटर देन 0, जब नंबर 0 से बड़ा है तब तक वो लूप को चलाता रहे। अब लूप स्टार्ट किया, उसमें फैक्टोरियल में फैक्ट डालकर फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू एक्स किया, तो पहली बार जो भी नंबर डाला होगा वो आ जाएगा और फैक्टोरियल के वन से मल्टीप्लाई करके नंबर ले लेगा। मान लीजिए हमने 5 लिया है तो 5 लेकर 5 इंटू 1 करेगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब 5 इंटू 4 करेगा क्योंकि वाइल लूप फिर से ऊपर गया और नीचे फिर आएगा, तब तक करेगा जब तक एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो जाती है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 5 × 4 20 हो जाएगा और फिर 1 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 20 × 3 60 हो जाएगा। और फिर 60 × 2 करेंगे क्योंकि x की वैल्यू 3 से 2 हो जाएगी तो वो 120 हो जाएगा। और फिर 1 करेंगे तो 1 से 120 ही रहेगा और जैसे ही हमारा 0 होगा वो बाहर निकल आएगा और आपका फैक्टोरियल 120 प्रिंट कर देगा। गेट CH करेंगे इसको हॉल्ट करने के लिए, जिससे स्क्रीन पे हम आउटपुट को देख पाए। रिटर्न करेंगे मेन फंक्शन को टर्मिनेट करने के लिए। अब ऑल्टर करके R करेंगे तो रन हो जाएगी वैल्यू और हम प्रोग्राम के आउटपुट को देख पाएंगे। एंटर हमने 5 किया, जो हमने एग्जांपल बताया, देखिए फैक्टोरियल 120 आ गया। तो इस तरह से हम प्रोग्राम के में वाइल लूप यूज़ करके फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सेकंड ऑप्शन आया कि हमको डू वाइल लूप करना है, तो डू वाइल लूप के लिए भी प्रोग्राम बना हुआ है, आप भी इसी तरह बना लीजिएगा। इंक्लूड किया, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फर्स्ट 10 इवन नंबर। इवन नंबर आप जानते होंगे 2, 4, 6, 8, 10। तो अब हमें 10 नंबर इवन प्रिंट करने हैं। तो यहाँ पर i इक्वल्स टू 0 लिया और फर्स्ट टाइम हम j में वैल्यू 2 डाल देंगे। 2 डालने से फर्स्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब डू वाइल लूप लिया, डू वाइल लूप में डू पहले आता है और वाइल कंडीशन जो होती है लास्ट में चेक होती है। तो वाइल और डू वाइल में यही फर्क होता है कि वाइल में जब तक कंडीशन नहीं ट्रू होगी तब तक लूप के अंदर नहीं जाएगा, लेकिन डू वाइल में फर्स्ट कंडीशन हर हालत में प्रिंट हो जाएगी चाहे कंडीशन ट्रू हो या ना हो। अब इसमें हमने दिया कि जे की वैल्यू आई की वैल्यू 0 दिया है, इसलिए वाइल में आई लेस देन 10 चेक करेंगे क्योंकि 0 to 9 10 हो चुका रहेगा और हमें 10 ही वैल्यू इवन प्रिंट करनी है। अब हमने दिया प्रिंट एफ %d कॉमा जे, जे में 2 है तो वो प्रिंट हो जाएगा। जे इक्वल्स टू जे प्लस 2 किया तो 2 + 2 4 हो जाएगा। आई में आई प्लस 1 किया तो 0 + 1 1 हो जाएगा और इस तरह से ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि 10 इवन नंबर प्रिंट नहीं हो जाते। अब हमने दिया get CH से आपका आउटपुट स्क्रीन पर आएगा दिखेगा और रिटर्न 0 करने से मेन टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसको रन करते हैं और देखते हैं। ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 आ गया। तो ये क्या होगा, आपका प्रोग्राम प्रिंट हो जाएगा। और अगर आप वर्टिकली इस आंसर को चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बैक स्लैश
एन लगाना पड़ेगा। जब आप बैक स्लैश एन लगाएंगे तो वो क्या करेगा, आपका नंबर वर्टिकली प्रिंट कर देगा। आप रन करके देखिए, आप पहले सेव करेंगे फिर रन करेंगे, ये नंबर देखिए आपका वर्टिकल आ गया, पहले हॉरिजेंटल आ रहा था। तो बैक स्लैश एन लगाने से हमारा प्रोग्राम जो होता है वो नंबर को लाइन बाय लाइन रो में प्रिंट कर देता है, कॉलम में। और जब हम बैक स्लैश एन नहीं लगाते हैं तो वो एक रो में प्रिंट कर देता है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है फॉर का। तो फॉर लूप हम लोग स्टार्ट करेंगे। फॉर लूप में हम प्रिंट कर रहे हैं प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 0 टू इन्फिनिटी। तो इंक्लूड stdio.h किया, इंक्लूड conio.h किया, मेन किया, इंट आई कॉमा एन किया, clrscr किया, आई एंटर वैल्यू ऑफ एन, एन एंटर वैल्यू ऑफ एन, एन करेंगे तो हम कोई नंबर इनपुट करेंगे। फर्स्ट द फर्स्ट नेचुरल नंबर आर, और नेचुरल नंबर को वन बाय वन प्रिंट करा लेंगे। किसमें कराएंगे, फॉर के लूप में। कहाँ तक कराएंगे, एन तक कराएंगे, और आई हमारा काउंटर है जो फॉर लूप के लिए यूज हो रहा है। तो आई हमारा वन से स्टार्ट हुआ और तब तक यूज होगा जितना तक नंबर दिया हुआ है। तो नंबर हमने जो भी डालेंगे उसके हिसाब से वो प्रिंट कर देगा। आई इक्वल्स टू वन इनिशियल स्टेट है, आई लेस देन इक्वल टू एन कंडीशनल स्टेट है, और आई प्लस प्लस हम कर रहे हैं क्योंकि इनिशियल वैल्यू हमारी छोटी है। प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा आई किया, तो यहाँ पर आई की जो भी वैल्यू आएगी वो प्रिंट हो जाएगी। और कहाँ तक प्रिंट होगी, एन तक प्रिंट होगी। गेट सी एच किया, अब इसको रन करते हैं। गेट सी एच क्यों करते हैं, हम कई बार आपको बता चुके। अब हम इसको रन करते हैं, मान लीजिए हमने दिया 10 नंबर तक प्रिंट करे तो वो 10 नेचुरल नंबर प्रिंट कर देगा। इसी तरह से हम इसको अगर ज़्यादा दे देंगे तो ये ज़्यादा भी प्रिंट कर देगा। आपने 100 दे दिया तो ये देखिए 100 कर देगा। तो ये जनरलाइज प्रोग्राम बना है जिसके थ्रू आप किसी भी लिमिट तक नेचुरल नंबर को प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आया फॉर का पैटर्न। तो फॉर का पैटर्न मीन्स होता है कि हम फॉर लूप को यूज़ करके डिफरेंट पैटर्न बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको रन करते हैं। ये देखिए पैटर्न बन रहा है। अब पैटर्न कैसा बनाना है हमको, कि पहले लाइन में वन हो, फिर वन टू हो, फिर वन टू थ्री हो, फिर वन टू थ्री फोर हो, जैसा कि अभी हमने आपको रन करके दिखाया। तो उसके लिए हमें, क्योंकि फोर रो और फोर कॉलम है, तो आई जे दो वैल्यू लेंगे। आई को फॉर में डालेंगे, फॉर आई इक्वल्स टू आई लेस देन इक्वल्स टू फोर प्लस प्लस आई, क्योंकि आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम वन है और हमें वन प्रिंट कराना है, इसलिए प्लस प्लस आई करेंगे तो वो एक कम पहले वैल्यू इंक्रीज करेगा तब फिर प्रिंट करेगा। तो पहली बार वैल्यू उसने आई प्रिंट एफ करा एंटर किया, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब वो लूप प्रिंट करेगा तो उसके पहले उसको दूसरी लाइन पर जाना होगा। तो दूसरी लाइन पर गए और उसके बाद हमने सबसे पहले फॉर जे इक्वल्स टू आई वन जे लेस देन इक्वल टू आई। अब जे जो हमारा चलेगा वो कहाँ तक चलेगा, जितनी वैल्यू आई में जनरेट हो रही है वहाँ तक चलेगा। तो j less than equal to i plus plus j किया, print f percent d backslash t, t is for tab and j print किया। j में हमारी zero value है, तो जब हम j print करेंगे और plus plus j कर रखा है तो j की value एक से बढ़ जाएगी, तो हमारा first time one print हो जाएगा। अब जब loop फिर ऊपर जाएगा j में तो print n करेगा। अब की टाइम जे से निकल के आई में जाएगा, प्रिंट आई की वैल्यू टू हो चुकी है तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप पे आएगा वापस, तो यहाँ पे एंटर करेगा तो वन के बाद दूसरी लाइन में चला जाएगा, और फिर जब हम प्रिंट करेंगे तो जे की वैल्यू वन से लेकर टू तक प्रिंट होगी, क्योंकि आई की वैल्यू टू हो चुकी है। तो हमें यही तो चाहिए कि पहले वन करे, फिर वन टू करे, फिर वन टू थ्री करे, फिर वन टू फोर करे। तो रन करी और देखिए हमने जो
प्रोग्राम सेट किया है उससे यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए पहले 1 किया, फिर 1-2 किया, 1-2-3 किया, फिर 1-2-3-4 किया। अब इसी कंडीशन को हम रिवर्स करेंगे और पैटर्न हमारा चेंज हो जाएगा। अब 1-2-3-4 1-2-3-1-2 और 1 करेगा। अब कैसे चेंज करेंगे, हमने आपको बताया था फॉर में दो तरह के लूप हम क्रिएट कर सकते हैं। एक जो है बड़े इनिशियल प्लेस लेकर के फिर माइनस माइनस करते हैं और कंडीशन में ग्रेटर देन 0 चेक करेंगे और आई की पोजीशन को 4 से लेकर के 1 तक ले जाएंगे। तो यहाँ पर जब आई 4 हो जाएगा तो जे का लूप 4 टाइम चलेगा और 1-4 वैल्यू प्रिंट होगी और जे उसी तरह से प्लस प्लस होता रहेगा क्योंकि जे की वैल्यू 1-4 जा रही है। और गेट सी एच करेंगे तो वो हॉल्ट हो जाएगा और टैब लगाया है तो वो एक टैब आगे, एक टैब मतलब 8 करेक्टर आगे हो जाएगा। अब इसको रन करा और देखिए माइनस करने से इसकी वैल्यू रिवर्स हो गई। अब हमने देखा कि फाइल में कितने बार कौन सा लूप चलता कैसे निकालें, तो उसके लिए करेंगे नंबर ऑफ टर्म, यहाँ पे आते हैं नंबर MNO, शायद डिलीट हो गया क्या, कोई नहीं बना लेते हैं इसको, कोई टाइम नहीं लगेगा। एक बार कोशिश फिर करते हैं, not number of turn loop for है। तो इस प्रोग्राम में number of terms कौन सा लूप कितनी बार चलेगा हम लोग निकालेंगे। अब number of terms के लिए हमने क्या किया, आपको यहाँ पे बंद कर दे, बहुत छोटा होता जा रहा है ना। चलिए कोई नहीं, इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हमने 3 वेरिएबल लिया और 3 काउंटर लिया, पी क्यू आर। आई जे के लिया है फॉर के काउंटर के लिए और पी क्यू आर लिया है हमारे काउंट करने के लिए कि नंबर ऑफ टर्म कितनी बार लूप चल रहा है। तो सी एल आर एस सी आर किया, आई जे के किया, आई जे के हमारे लूप की वैल्यू है। अब हमने आई जे के 3 लूप चलाया और कहाँ तक चलाया, सेकेंड वैल्यू तक चलाया। छोटा ही लूप ले रहे हैं जिससे आप लोग को उसको समझ में आ जाए, बहुत बड़ा ले लेंगे तो समझ नहीं आएगा। अब P++ किया, पहली बार जब I की वैल्यू 1 होगी तो P की वैल्यू 1 हो जाएगी, J की वैल्यू 1 होगी तो Q की वैल्यू 1 हो जाएगी और K की वैल्यू जब 1 होगी तो फर्स्ट टाइम सब 1-1-1 प्रिंट कर देगा। लेकिन K की वैल्यू 2 तक जा रही है तो जब I और J की वैल्यू 1 रहेगी तो K की वैल्यू 2 भी प्रिंट करेगा। अब इसको रन करके देखिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखिए I की वैल्यू जब 1 है और J की वैल्यू जब 1 है तो K की वैल्यू 1-2 है। इसी तरह जब I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 है तो K की वैल्यू 1-2 है। फिर I की वैल्यू जब 2 है तो J की वैल्यू 1 है तो K की वैल्यू 1-2 है। फिर I J की वैल्यू 2 है तो K की वैल्यू 1-2 है। तो इस तरह से हमारा लूप, पहला लूप 2 बार चला, दूसरा लूप 4 बार चला और तीसरा लूप हमारा 8 बार चलेगा। तो जितना लूप अंदर होता जाएगा उसकी इंटरेशन उतनी अधिक होती जाएगी। अब इसको अगर हम कुछ चेंज करके करते हैं, मान लीजिए हमने ये किया, इसको हम 3 कर देते हैं तो आपकी इंटरेशन वैल्यू चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी देखते हैं। ये देखिए अब जब I की वैल्यू 3 होगी तो J की वैल्यू 6 होगी और K की वैल्यू 12 होगी। अब ये निकालते कैसे हैं, जब I की वैल्यू 3 होगी और J का लूप 2 बार चल रहा है तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और जब J की वैल्यू 6 होगी और K की वैल्यू 2 बार चल रही तो 6 ×
12 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इंटरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, कौन सा लूप कितनी बार चलेगा ये हम इंटरेशन में जान सकते हैं। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर्स। पैटर्न पे एक हम नया प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें डिफरेंट पैटर्न हम कैसे प्रिंट करते हैं फॉर लूप यूज़ करके, उसको बताएंगे। और आपकी कोई क्यूरी हो तो प्लीज़ आप पूछ लीजिए। वैसे मैं पैटर्न में ए टू जेड सारी वैल्यू प्रिंट कर चुकी हूँ, इवन स्पाइरल भी बना चुकी हूँ। तो अगर आप लोग को कोई स्पेशल क्यूरी हो जो आप लोग नहीं बना पा रहे हो पैटर्न में, तो आप कमेंट में लिखिए, हम आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर देंगे। सो थैंक यू व्यूअर्स टुडे ऑल, इट इज़ ऑल। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल आई टी इन्फॉर्मा, फॉलो माई ऑल सोशल मीडिया लिंक, ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल टेक रतन, कमेंट ऑन माई कम्युनिटी इन पोल्स एंड वीडियोज। प्लीज डू विजिट माई चैनल एंड गो टू द कम्युनिटी। थैंक यू।